बैम्बू स्टिक्स के ऊपर अब काफी सारे लोग ये टारगेट करें कि सीजन के टाइम में मैन्युफैक्चरर ही रेट बढ़ा देता है, ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल देखा गया है कि काफी सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिसके प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। कर चीजें इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? मतलब ऐसा चाइना वियतनाम से इंपोर्ट होके ही आता है, सो वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है अभी के टाइम पे ये प्राइस हुआ है 135 रुपीज एवरेज। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं हम रॉ मटेरियल्स। अगरबत्ती बिजनेस में रॉ मटेरियल्स काफी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि चीजें इनसे ही बनती हैं। सपोज हमारा जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, जोस, जिगट, चारकोल, बैम्बू स्टिक्स और काफी सारे ऐसे परफ्यूम्स के जो फॉर्म होते हैं ऑयल के, डीपी, सुपर और न जाने काफी सारी अलग अलग तरीके की चीजें। अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार चीजें इतनी बढ़ती क्यों जा रही है और इसका जो सॉल्यूशन आगे निकलेगा या फिर नहीं। सो फिर आगे कुछ चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं और हाल के टाइम में मतलब फिलहाल अभी अभी जो चीजें बढ़ी हुई हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगे, तो प्लीज चैनल आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। अब बात आती है बजट की और खास ऐसे टाइम में जो कि हमारा सीजन टाइम होता है और इसी सीजन टाइम में जो है अगरबत्ती की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि आफ्टर जो फेस्टिवल टाइम है वो भी धीरे धीरे जो है स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के साथ जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हुई है प्राइस बढ़ने को लेकर वो है हमारा बैम्बू स्टिक्स, क्योंकि जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है बैम्बू स्टिक्स का। और इसी बैम्बू स्टिक की जो है प्राइस बढ़ने की वजह से और इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं इसके रेट बढ़ने की वजह से देखा ये गया है कि जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, जैसे सपोज इसमें रॉ अगरबत्ती बनेगी आपकी, जैसे ब्लैक जो मार्केट में यूजली ज़्यादातर चलती हैं, कलर और ब्राउनिश स्टिक्स और लोबान, ये बहुत सारी चीज़ें जो कि डिपेंड होती हैं सीधा सीधा बैम्बू स्टिक्स के ऊपर। अब काफ़ी सारे लोग ये टारगेट करें कि सीजन के टाइम में मैन्युफैक्चरर ही रेट बढ़ा देता है, ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरर कभी भी किसी भी तरीके से अपने से होके प्राइस नहीं बढ़ाता, वो डिपेंड होती है हमारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर कि रॉ मटेरियल का रेट क्या आ रहा है और चीज़ें क्या चल रही हैं। अब जो कारण है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बैम्बू 100% जो देखा गया है तो हम डिपेंड है चाइना के ऊपर, चाइना और वियतनाम के ऊपर। इंडियंस बैम्बू स्टिक के बारे में आप जानते हैं क्योंकि इंडियन बैम्बू स्टिक्स है तो बढ़िया बट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी भी काफ़ी महंगी हो जाती है, इसके वजह से वो उतना सक्सेसफुली रन नहीं कर पा रहे हैं। और जो 90% मैं बोलूँ तो 100% मैंने बोल दिया था, 90% मैं बोलूँ तो चाइना बैम्बू स्टिक्स ही लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे प्राइस बढ़ने का सबसे कारण ये है, बड़ा कारण ये है, पहला रीज़न ये जो है बताया जा रहा है कि जो इम्पोर्ट की जो प्रोसेस है मतलब ऐसा चाइना वियतनाम से इम्पोर्ट होके ही आता है, सो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो वहाँ पे इंक्रीज़ की गई है। और कॉस्ट जो है इंक्रीज़ होने का कारण क्या है वो नहीं पता। और दूसरा चीज़ लोग ये भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो इनकी एक्साइज ड्यूटी होती है या फिर जो अदर टैक्सेस जो होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर उसमें बढ़ोतरी की गई है, ऐसा लोगों का मानना है। और इसके वजह से अभी के टाइम पे जो प्राइस था एवरेज 105 रुपीज तक का प्राइस चल रहा था पिछले महीनों के, अगर मैं बात करूं तो पिछले महीने का जो रेट चल रहा था अभी के टाइम पे ये प्राइस हुआ है 135 रुपीज एवरेज। अभी ये बहुत बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे 30% का प्राइस बढ़ना मतलब अपने आप में एक काफ़ी मतलब बिजनेस में बदलाव आप का कहना चाहो तो हो सकता है और बदलाव हो ही रहा है क्योंकि सीधा सीधा प्राइस बढ़ने के कारण हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है हो जाता है। क्योंकि जानते हैं जैसे कि हमारा अगरबत्ती बिजनेस में एक बेसिक मार्जिन मतलब इतना हाई मार्जिन नहीं होता बट यूजुअली देखा जाता है कि डिमांड सप्लाई डिमांड चेन बहुत ज़्यादा होने की वजह से लो मार्जिन में भी लोग अपनी अर्निंग जो है अच्छे से अच्छा कर लेते हैं।
लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से एक बड़ा कारण यही है कि स्टिक्स के प्राइस लगभग 30% इंक्रीज होने की वजह से कहीं कहीं पे 40% भी लोग अभी जो है बैम्बू स्टिक सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और लगभग लगभग ये सीधा सीधा जो है हमारे मार्केट के ऊपर इफेक्ट ज़रूर करेगा और साथ साथ आपके प्रोडक्ट के ऊपर ही करेगा, क्योंकि चीज़ें बढ़नी है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है चीज़ें तो महंगी होनी ही है। तो ये एक मैं छोटा सा अपडेट मैं आपको इस बैम्बू स्टिक के बारे में बताया, और लोग यही सोच रहे थे कि अब इसका जो है ऑर्डिनरी सॉल्यूशन क्या होगा कि हम प्राइस को कैसे सस्ता कर सकते हैं। बैम्बू स्टिक का रेट बढ़ा है, जनरली अगर मैं एक कैलकुलेशन आपको मैं बताना चाहूँ तो 1 kg हमारा एक सपोज रो ब्लैक अगरबत्ती की बात मैं कर लेता हूँ, अब अच्छी क्वालिटी के बैम्बू जो रॉ अगरबत्तीज हैं वो एवरेज हमारा 60 रुपीज़ 65 रुपीज़ के आसपास की मार्केट सेलिंग चल रही थी। अभी के टाइम पे पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट अब 30% के हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा ले तो पर केजी में 8 से 10% के बीच में इसके कॉस्ट बढ़ेंगे, क्योंकि 1 kg बैम्बू स्टिक में 3-3.5 किलो ही माल रेडी होती है, तैयार होती है। जैसा कि आपने कैलकुलेशन किया होगा, अगर आप रॉ अगरबत्ती बनाते होंगे तो आपको चीज़ें मालूम होगी, उसके हिसाब से पर केजी में 10% का जो है हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो देखा जाए तो जो रेट्स हैं उसमें कम से कम जो है 6 से 7 रुपए का प्राइस बढ़ा हुआ है, और ये प्राइस बढ़ने का कारण मैन्युफैक्चरर नहीं है, क्योंकि सप्लाई चेन ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर सप्लाई चेन में उथल पुथल होती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं तो ही प्राइस जो है बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरर के हाथ में कुछ नहीं होता, वो अपना जो बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट है, जैसा चीज़ें बढ़ रही हैं घट रही हैं उसके हिसाब से वो चीज़ों को सप्लाई करता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था। दूसरी चीज़ें थी कि इसके प्राइस को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, चीज़ें तो बढ़ी हुई है, रॉ मटेरियल सारी चीज़ों के प्राइस बढ़े हुए हैं, और अगर हमें चीज़ें बनानी है एक बेसिक रेट में और क्वालिटी भी मेंटेन रहे तो उसका एक छोटा सा और एक अच्छा सॉल्यूशन ये है हमारा परफ्यूम्स। बेसिकली क्या है, जो प्राइस मेंटेन करने का जो काम करती है वो है हमारा परफ्यूम। बेसिकली क्या है, ये इसके प्राइस भी काफ़ी महंगे ही होते हैं, लगभग 700-800 रुपये केजी से आजकल परफ्यूम्स मार्केट में बिकने चालू हो गए हैं, और अगर आपको बजट में चीज़ें चाहिए तो परफ्यूम ऐसा हो जो कि आपके प्राइस आपके जेब में सेंध ना मारे, क्वालिटी भी मेंटेन रहे और जो है प्राइस भी कम हो, तो वो कैसे हो सकता है? बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। वो हो सकता है एक अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम आपको चूज करनी पड़ेगी, जिसमें से डाइल्यूशन भी अच्छा हो, हाई डाइल्यूटेड परफ्यूम हो, स्प्रेडिंग अच्छा हो और बूस्टिंग भी सही हो। मतलब जो परफ्यूम्स हम अदर मार्केट्स में लेके 3, 4, 5, 6 का जो रेशियो बना रहे हैं और क्वालिटी भी नहीं आ रही है, तो उसके कारण आपके प्राइस और बढ़ जाएंगे। तो परफ्यूम एक अच्छा सेलेक्ट आप कीजिए, डाइल्यूशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, एक बेसिक डाइल्यूशन में एक अच्छा क्वालिटी वो देना चाहिए और आपके बजट जो है उसमें वो मेंटेन होना चाहिए। तो ऐसे परफ्यूम्स की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर में कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे हाई डाइल्यूटेड फैंसी नोट्स और एज अ काफ़ी सारे फ्लावर बेस्ड नोट भी आपको देखने को मिल जाएंगी, और इसके डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो यही था एक छोटा सा अपडेट।